साहस सरोकार। 2024 के चुनावी अभियान में जुटी भाजपा, हर लाभार्थी तक पहुंचे सरकार, मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी का निर्देश। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ पीएम की बैठक, विधानसभा और 2024 के आम चुनावों की तैयारियों पर चर्चा। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की मीटिंग, 12 जून को पटना में इकट्ठा होगी तमाम पार्टियां। कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, सीएम सिद्धारमैया के पास वित्त, शिव कुमार को मिला सिंचाई। कांग्रेस नेता नसीम खान ने मुंबई में नदी की सफाई में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, जांच की मांग की। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं। इसी के चलते आज सीएम योगी लखनऊ के ताज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान लोगों के हित के में किए कामों को जनता के सामने रखेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आज ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बता दें, पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने औरैया में पूर्व आईएएस देवी दयाल की द्वितीय पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भारी प्रशासनिक बल मौके पर मौजूद रहा। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि देवी दयाल जी हमारे समाज के आज के युग के सबसे अग्रणी पुरुषों थे। वहीं इस मौके पर मौजूद दिव्यापुर विधानसभा से सपा विधायक प्रदीप यादव ने पत्रकार वार्ता से संसद भवन के उद्घाटन पर जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जबरदस्ती यह उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करवाया क्योंकि वह एक आदिवासी महिला है, यह निम्न वर्ग से आती है, इसलिए उनसे पूजा करवाई जाती तो पूजा अपवित्र हो जाती। आज जो है नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, किस तरीके से आप देखते हैं? प्रधानमंत्री जी जबरदस्ती करते हैं, जिस सदन का मेन राष्ट्रपति होता है, सदन की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति आते हैं और अपना अभिभाषण देते हैं। सारे दलों के नेता वहाँ, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, सब एकत्रित होते हैं। तो सिर्फ इसलिए नहीं कराया कि वो आदिवासी महिलाएँ निम्न वर्ग से आती हैं, उन्होंने पूजा पाठ से चूंकि उसका उद्घाटन कराया तो उनकी पूजा पाठ अपवित्र ना हो जाए, इसलिए इतने पद पर बड़ी बैठी राज्यपाल को प्रेरणा लेते हैं और किसी के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जिस विद्यालयों में वो पढ़े थे, उन प्राथमिक विद्यालय, वो तीन विद्यालय थे जो जनपद में है, उन तीनों विद्यालयों को हम लोगों ने ध्यान दे दिया है। उनके बच्चों की हम ही उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेंगे और ये प्रयास करेंगे कि उनको हम आगे बढ़ाएं और इस जनपद से और भी वरिष्ठ पदों पर और भी अच्छे आगे सेक्टर में, चाहे वो बिजनेस मैन रहे, चाहे किसी अच्छे और सेक्टर में जाना चाहे, किसी को कोई भी व्यवसाय करना चाहे, कुछ और करना चाहे, उनको हम प्रेरित करेंगे और उनका पूरा सहयोग करेंगे। इस सहयोग में जिला प्रशासन ने, यहाँ के जिला विशेष अधिकारी ने, शिक्षा अधिकारी ने और सारे। अंबेडकर नगर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर मंडला आयुक्त के आदेश के बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है, जिसके चलते 3 दर्जन से अधिक टांडा विकास खंड के अमीनपुर गांव में नवीन पत्री और बंजर भूमि पर लोगों का कब्जा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता राहुल हमसे जुड़ चुके हैं। राहुल, सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है, भू माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कुछ पूरा मामला?
बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 31/3/2023 को अपर आयुक्त सुनील कुमार शुक्ला जी ने 5 जिला अधिकारियों को चिन्हित किया है, जिसमें से अंबेडकर नगर का भी नाम है। और ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा, तो हमने जब इस पर नगर निकाय चुनाव से पहले इस पर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन जुबानी बांध चलाने से और धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा है, ना कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही, ना ही पैमाइश हो रही। और जो भू माफिया है, वो चाहे सरकारी तालाब हो या नवीन पट्टी हो या फिर बंजर भूमि हो, वो कब्जा करके बैठे हैं। अमीनपुर की ही बात नहीं, पूरे संपूर्ण जनपद अंबेडकर नगर में ऐसे कई नवीन पट्टी और बंजर भूमि और सरकारी तालाब होंगे, जिन पर भू माफिया अपने अपना कब्जा बरकरार बनाए हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जिला अधिकारी की को कब याद आता है कि कार्रवाई की जाना चाहिए, जबकि एक बार हमने पूछा भी था, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई भी धरातल पर कार्रवाई नहीं दिखी। जी मयूरी, राहुल क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, किसकी मिली भगत सामने आई है, भू माफियाओं को किसका संरक्षण मिल रहा है? देखिए, अगर आम तौर से बात किया जाए, सरकार की जो मंसूबा है कि सरकारी जमीन पर जो भी अतिक्रमण है, अपर आयुक्त ने पहले ही चिन्हित कर दिया 5 जिले को, उसके बाद साप्ताहिक सूचना रिपोर्ट भी उनके कार्यालय में सभी जिला अधिकारियों को देना था, लेकिन क्या रिपोर्ट दी जा रही है अंदर की बात, और बाकी बात रही संरक्षण की, संरक्षण जो कहीं ना कहीं अपने आप का संरक्षण का अगर प्रभाव देखा जाए, जो क्षेत्रीय लेखपाल होते हैं, क्षेत्रीय लेखपाल कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में ये सारा खेल होता दिखता है, क्योंकि क्षेत्रीय लेखपाल ही नापता है जमीन को कितना है, पैमाइश क्षेत्रीय लेखपाल ही करता है, पैमाइश पर क्या सीमांकन हो, तो कहीं ना कहीं कई लोगों की मिली भगत है। ऐसे में सबसे सबसे लापरवाही अगर है तो जिला प्रशासन यानी जिला अधिकारी अविनाश सिंह का है, कि इस मामले को संज्ञान में न लेते हुए कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहे हैं। जी मयूरी जी, धन्यवाद राहुल हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। औरैया में वसूली को गई राजस्व टीम पर हमला कर दिया गया, जहां राजस्व टीम पर महिला ने जमकर पत्थरबाजी की, पत्थरबाजी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को बचाया। विधुना कोतवाली क्षेत्र की नवीन बस्ती का मामला बताया जा रहा है। बता दें कि वसूली को गई राजस्व टीम पर हमला हुआ है, कोतवाली क्षेत्र की नवीन बस्ती का ये पूरा मामला है, जहां महिलाओं द्वारा जमकर पत्थरबाजी की गई। गुलाब सिंह सोनेलाल, 1,80,343 की रिकवरी जा रही है, उस रिकवरी तगादे हेतु हम और जय साहब दोनों लोग आए थे साथ में। इस महिला द्वारा बहुत गालियां दी गई तथा ईंट पत्थर चलाए गए, जिसमें 2 कर्मचारी हमारे घायल हो गए हैं, जिनको चोट आई है। हम लोग भाग के अपने आप को बचा पाए, और बहुत मतलब विचित्र तरीके को उसने गालियाँ दी हैं। तो आप यहाँ कितनी देर से खड़े हुए हैं? हमें यहाँ 30 मिनट से ऊपर हो गए हैं। गेट नहीं खोल रहे हैं? नहीं, गेट नहीं खोल रहे, और बराबर ऊपर ही से गाली गलौज ईंट पत्थर चला रहे हैं। प्रशासन भी आपके साथ है, उन्होंने भी कहा क्या कार्रवाई? प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी साथ में है, बराबर फोन किया इंस्पेक्टर साहब ने, तत्काल फोर्स आया। अरे गुलाब सिंह सोनेलाल, 1,80,343 की रिकवरी जा रही है, उस रिकवरी तगादे हेतु हम और जय साहब दोनों लोग आए थे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जाहिद हमसे जुड़ चुके हैं। जाहिद, वसूली को गई राजस्व टीम पर महिला द्वारा पत्थरबाजी की गई है, क्या कुछ पूरा मामला? जी मयूरी, आपको बता दूं कि बिजुना कोतवाली क्षेत्र के नवीन बस्ती में बिजली बात की थी, राजस्व के लिए वसूली करने के लिए जाते, 1,80,000 का बकाया बाकी था। जब वो अपना बकाया देने के लिए पहुंचते उसके दरवाजे पर, उसी दौरान महिला ने अपना गेट ना खोला, किसी बात को लेकर विद्युत विभाग हुआ, महिला से कुछ हॉट टॉक होती है, उसके बाद वहां से वो महिला ऊपर छत से कुछ गुम्बे फेंकती, जिसमें वीडियो में साफ साफ दर्शाए जा रहे हैं कि इस महिला द्वारा वहां से एक पत्थर फेंके जा रहे हैं, जिससे विद्युत विभाग की कर्मी जो दूर हटकर वहां से वीडियो भी बना रहे हैं, और वो वीडियो वायरल भी हो रहा है। जी धन्यवाद जाहिद तमाम जानकारियों के लिए। अलीगढ़ में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा गटर का ढक्कन चोरी होने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कर्मचारियों ने चोरों की तलाश शुरू की, वहीं काफी तलाशने के बाद ढक्कन प्राप्त हो चुका है, साथ ही विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
दुकान के सामने एक नाले के ऊपर का जाल चोरी हो गया था, जो इस समय भाई साहब ने आके लगवा दिया है। सुपरवाइजर सर आए हैं, उन्होंने आके लगवा दिया। कौन लोग थे जो यहाँ से जाल चुरा कर ले गए थे? उसका कोई अंदाजा नहीं है भाई साहब। कौन फिलहाल किसके द्वारा लगाया गया है जाल? लगाया सुपरवाइजर साहब है, उन्होंने लगवा दिया। नगर निगम के जी ऐसा कुछ नहीं है, जो जाली का मुझे पता भी नहीं था। सुबह मुझे पता चला कि ऐसे ऐसी कोई घटना हुई है कि एक जाली नाले पर से उखाड़ ली गई है, लेकिन वो कुछ कर्मचारी ये फोटो दिखे गए थे जो वीडियो में आए थे, उन्होंने अपहरण पर लिखे थे, लेकिन वो हमारे कर्मचारी नहीं थे, वो कुछ नक्सली टाइप के लोग थे जिन्होंने इस क्रम इस घटना को अंजाम दिया, और हमने उनको पकड़ करके और उस जाली को बरामद कर करके तो हमने उस जाली को दोबारा लगवा दिया गया है। अलीगढ़ के गांव हस्तपुर में ट्यूबवेल पर बिजली का तार जोड़ते समय किसान करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद परिजन किसान को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत पर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच गई, पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है इनका? शिवराम। इनके पापा जी का नाम? मान सिंह। कितनी उम्र रही होगी इनकी? उम्र? अच्छा, आज क्या करने गए थे, कहाँ गए थे ये? ट्यूबवेल पे गए थे, ट्यूबवेल का तार जोड़ रहे थे, उसी दुकान के करंट लग गया। किस जगह पर? ट्यूबवेल पे। कोई कौन सा काम है? हाँ हाँ, तो हमारे जगह पे करंट लग गया, घायल हो गए। इन्हें फिर कहाँ ले गए? यहाँ मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।